नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। पश्चिम चंपारण से बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक मां ने अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लिया है। मामला बेतिया के नरकटियागंज के लौरिया थाना क्षेत्र के नोनिया टोले की है, जहां पर एक आरती देवी नाम की महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ नहर में कूद करके आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है, साथ ही उसके परिवार में लोग रो रो करके बेहाल है। आरती देवी ने अपने 3 बच्चों के साथ क्यों हत्या की है, इस कारण का पता अभी तक नहीं चला है। हालांकि घटना के बाद वहां पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई है, SDPO कुंदन कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही स्थानीय गोताखोरों के द्वारा मां और एक बेटी के शव को लोगों ने बाहर निकाल लिया है, लेकिन 2 शव अभी भी लापता हैं। 2 बच्चों के शव की तलाश में लोग अभी तक लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक 2 शव बरामद नहीं हुए हैं। आरती देवी नाम की महिला और उसकी एक बेटी का शव स्थानीय गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया है। लोगों में ये कौतूहल है जानने के लिए कि आखिर वो कौन सा कारण होगा कि एक मां अपने 3 बच्चों के साथ नहर में कूद करके आत्महत्या कर ली होगी। इन्हीं सवालों के साथ लोग वहां पर भीड़ के रूप में इकट्ठा हैं। वहां पर स्थानीय पुलिस जो है जांच में लगी हुई है। SDPO कुंदन कुमार का कहना है कि कारण का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस जांच में लगी हुई है, अभी शव की तलाश जारी है। पुलिस जल्द ही मामले की तह में पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है, कारण का पता लगते ही बताया जाएगा। लौरिया थाना अंतर्गत पकड़ी नोनिया टोला में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ चिकनाना नदी का नारा में डूबकर आत्महत्या कर ली है। महिला और ये एक बेटी का डेड बॉडी मिल गया है, बाकी के लिए SDRF की टीम सर्च कर रही है। कितने लोग तक मौत हुई? 4 लोग डूबे हैं, जिसमें से 2 का डेड बॉडी मिल गया है, 2 के लिए सर्च अभियान चल रहा है। घटना के संबंध में कोई मामले की जांच की जा रही है। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।